हेलो फ्रेंड्स, होम्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पिज़्ज़ा रेसिपी। पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें ना ही ओवन चाहिए और ना ही हम इसको बनाने के लिए मैदा यूज़ करेंगे। एकदम डिफरेंट स्टाइल में मैं आज आपको पिज़्ज़ा बनाना बताऊँगी। इतना टेस्टी ये पिज़्ज़ा बनेगा फ्रेंड्स, खाकर कोई बता ही नहीं पाएगा कि आपने इसको घर पर बनाया है। टेस्टी तो ये है ही, साथ में हेल्दी भी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल होम्स किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं पिज़्ज़ा बनाना। पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मैगी का छोटे वाला पैकेट ले लिया है। ये 10 रुपीज़ वाला मैगी पैकेट है और साथ में ही ये मैगी का मसाला है, इसका यूज़ भी हम पिज़्ज़ा बनाने में करेंगे। तो अभी तो इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हम मैगी को तोड़ लेते हैं बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में। मैगी को तोड़ने में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ये इजीली टूट जाती हैं। तो बिल्कुल बारीक हम मैगी को कर लेंगे, कोई भी बड़ा टुकड़ा नहीं रखेंगे। तो मैगी को मैंने तोड़ लिया है, ये देखिए बिल्कुल बारीक मैंने इसको कर लिया है। अब एक पैन में डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें मैगी डाल देंगे जो हमने तोड़कर तैयार करी थी। अब लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर मैगी को अच्छे से भून लेते हैं। पूरा 4 से 5 मिनट तक हमने इसको पकाना है, जब तक ये हल्की सी गोल्डन नहीं होती। इस तरह से रोस्ट की हुई मैगी का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो हमने मैगी को कच्चा यूज़ नहीं करना है, इसको रोस्ट करके ही हम पिज़्ज़ा बनाने में यूज़ करेंगे। तो मैगी हमारी रोस्ट हो चुकी है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। मैगी को हम एक छलनी की हेल्प से निकालेंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो कढ़ाई में ही रह जाए। और इसका कलर देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा आया है। आप इसको ऐसे भी खाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगी, क्योंकि नमकीन तो मैगी होती ही है और रोस्ट करने के बाद तो इसका टेस्ट डबल हो जाता है। मैगी को रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप सूजी। मैंने ये बारीक वाली सूजी ली है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो मोटे वाली सूजी को मिक्सी में चलाकर फाइन कर लें। 1/2 कप डालेंगे दही। दही हमने फ्रेश लेनी है, खट्टी दही का यूज़ नहीं करना है। थोड़ा सा डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो बढ़िया से मैंने दही और सूजी को मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा सा ही डालेंगे, एकदम से सारा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारा बैटर ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो बेहद ही टेस्टी हेल्दी हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स। और इसको बनाने के लिए हम ओवन का यूज़ भी नहीं करेंगे, बिना ओवन के ही हम ये पिज़्ज़ा बनाकर तैयार करेंगे। तो जिसके पास ओवन नहीं है उनको भी निराश नहीं होना पड़ेगा। तो बैटर हमने बना लिया है। बैटर की कंसिस्टेंसी हम पहले पतली ही रखेंगे क्योंकि सूजी बाद में फूल जाएगी तो ये काफ़ी थिक हो जाएगा। बैटर बनाने के लिए हमने 1/2 कप पानी यूज़ किया है। अब ढककर हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख देते हैं। 20 मिनट के बाद हम देखेंगे कि सूजी काफ़ी फूल गई है, पहले से काफ़ी थिक हो गया है बैटर। अब 1 मिनट तक हम इसको ऐसे ही फेंट लेते हैं। बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, इससे ना ही हम पतला करेंगे और ना ही इससे गाढ़ा करेंगे। 1 मिनट तक बैटर को फेंट लेने के बाद जो हमने मैगी रोस्ट करके रखी थी वो डालेंगे। बढ़िया से मैगी को मिक्स करेंगे। रोस्टेड मैगी से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा पिज़्ज़ा में। अगर आप मैगी खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप मैगी को स्किप भी कर सकते हैं, अकेले सूजी से बैटर बना लें। पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए बैटर हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब बिल्कुल लास्ट में हम इसमें डालेंगे 1/4 स्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर हमने बिल्कुल लास्ट में डालना है। इसको डालते ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। बेकिंग पाउडर की जगह पे आप 1/2 स्पून इनो भी डाल सकते हैं। तो बढ़िया से मैंने बेकिंग पाउडर को मिक्स कर दिया है। अब फटाफट से हम तवा गरम कर लेते हैं। ये नॉनस्टिक तवा मैंने यहाँ पर लिया है। अच्छे से इसको ग्रीस कर लेते हैं ऑयल लगाकर। तवा अच्छे से गर्म हो चुका है, तवे को हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम हॉट हमने इसको रखना है। अब जो हमने बैटर बनाकर तैयार किया था वो सारा तवे पर डाल देंगे। मैंने यहाँ पर बड़े साइज़ का तवा लिया है। अगर आप छोटे साइज़ का पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो छोटा तवा भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से बैटर को तवे पर फैला देते हैं। इवनली हमने बैटर को फैलाना है, नहीं तो हमारा पिज़्ज़ा कहीं से मोटा तो कहीं से पतला बनेगा। अब ढककर इसको 5 से 6 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर बेक होने देते हैं। हाई या मीडियम फ्लेम बिल्कुल ना करें, नहीं तो हमारा पिज़्ज़ा बेस नीचे से तो जल जाएगा और ऊपर से कच्चा रह जाएगा। 5 से 6 मिनट में पिज़्ज़ा बेस अच्छे से पक चुका है। अब एक स्पैचुला की हेल्प से हम इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं तवे से। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और जो मैगी हमने रोस्ट करके डाली थी उसका एक एक दाना इसमें दिखाई दे रहा है। पिज़्ज़ा में जब मैगी के क्रंची दाने आएंगे तो वो खाने में बेहद ही टेस्टी लगेंगे। तो पिज़्ज़ा बेस को अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट को इस तरह से बेस पर रखेंगे।
और इसको इस तरह से उल्टा करके निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारा पिज़्ज़ा बेस बेक हुआ है। अब वापस से इसी पैन में हम इस बेस को रखेंगे, इसकी नीचे वाली साइड को ऊपर रखेंगे और ऊपर वाली साइड को नीचे कर देंगे। अब यहाँ पर 3 टेबलस्पून मैंने पिज़्ज़ा सॉस ली है, पूरे पिज़्ज़ा बेस पर अच्छे से सॉस को अप्लाई करेंगे। सॉस अप्लाई करने के बाद हम इस पर चीज़ अप्लाई करेंगे। मेरे पास चीज़ स्लाइस है तो मैं इसको तोड़कर इस पर डालने वाली हूँ। अगर आपके पास नॉर्मल चीज़ है तो आप उसको ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में हम इसको तोड़कर पूरे पिज़्ज़ा बेस पर अप्लाई कर लेंगे। चीज़ की क्वांटिटी आप अपनी चॉइस से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको चीज़ी पिज़्ज़ा खाना पसंद है तो चीज़ ज़्यादा यूज़ कर लें, अगर कम चीज़ खाना पसंद है तो आप कम यूज़ करें। लेकिन मैं टोटल 3 चीज़ स्लाइस इसमें यूज़ करने वाली हूँ। 2 स्लाइस मैं अब यूज़ करूँगी और 1 स्लाइस बाद में यूज़ करूँगी। अब हम इसमें कुछ वेजेस अप्लाई करेंगे। वेजेस में मैंने लिया है कैप्सिकम, प्याज और स्वीट कॉर्न्स। तो पहले हम कैप्सिकम रखेंगे। इस तरह से पूरे पिज़्ज़ा बेस में एक एक पीस हम लगाते जाएंगे। आपको जो वेजेस खाना पसंद हो आप वो सब्जियाँ इसमें लगाएं और जो खाना पसंद नहीं है उनको स्किप कर दें। आप चाहें तो अकेले कैप्सिकम पिज़्ज़ा बना सकते हैं, अकेले अनियन पिज़्ज़ा बना सकते हैं या फिर स्वीट कॉर्न्स पिज़्ज़ा बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मिक्स वेज पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ। कैप्सिकम और अनियन हमने लगा दिए हैं, अब ऊपर से हम डाल देते हैं थोड़े से स्वीट कॉर्न्स। आप चाहें तो इसमें पनीर के पीसेस भी डाल सकते हैं। सारी वेजेस डालने के बाद हम स्प्रिंकल करेंगे इस पर मैगी मसाला जो हमने बचा कर रखा था। अब ऊपर से 1 चीज़ स्लाइस और तोड़कर डाल देते हैं। टोटल मैंने 3 चीज़ स्लाइस इसमें यूज़ करी है। तो फ्रेंड्स, पिज़्ज़ा हमारा बेक होने के लिए तैयार है। 5 से 6 मिनट तक ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको बेक कर लेंगे, तब तक ये अच्छे से पक जाएगा। 5 से 6 मिनट हो गई हैं, पिज़्ज़ा हमारा अच्छे से बेक हो चुका है, वेजेज अच्छे से पक चुकी हैं और जो चीज़ थी वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब इसको निकाल लेते हैं तवे से बाहर। इस तरह से स्पैचुला की हेल्प से हम इसको निकालेंगे। तो चलिए पिज़्ज़ा को कट कर लेते हैं। मेरे पास ये पिज़्ज़ा कटर है, मैं इसकी हेल्प से इसको कट कर रही हूँ। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप नाइफ से भी इसको कट कर सकते हैं। बेहद ही सॉफ्ट स्पॉन्जी हमारा पिज़्ज़ा बेस बना है, इजीली हम इसको कट कर सकते हैं। ये देखिए पिज़्ज़ा को मैंने 8 पीसेज में कट कर लिया है। अब हम इस पर स्प्रिंकल करेंगे ऑर्गेनो, थोड़ी सी स्प्रिंकल करेंगे चिली फ्लेक्स। तो लीजिए फ्रेंड्स, पिज़्ज़ा बनकर हो गया है तैयार। ये देखिए कितना सॉफ्ट स्पॉन्जी हमारा पिज़्ज़ा बेस बना है और जो इसके ऊपर वेजेस हैं सब अच्छे से पक गई हैं और इसको बनाना भी बेहद ही आसान है जैसा कि आपने देखा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार, आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद आने वाला है। बिना ओवन के, बिना मैदे के हमने ये पिज़्ज़ा बनाया है जो कि बेहद ही हेल्दी है, टेस्टी है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। जब भी आप ये पिज़्ज़ा बनाएं तो अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।